VACCINE वैक्सीन, जिसका लोग मिर्जापुर और KGF से ज्यादा इंतजार कर रहे थे। बाहुबली कोरोना वायरस के लिए कटप्पा वैक्सीन कब आएगी? लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश के लिए कि दो वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। ये सुन के महीनों बाद नहाया था मैं, मेरे दिल के चूहे अल्टी पल्टी मारने लगे थे। अबे चूहे पेट पे होते हैं बे। भोसड़ी के। पर तभी कुछ शतुरमुर्ग के शक्ल के लोग ज्ञान देने लगे। आर्टिकल्स पढ़े वहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि 62% ही इफेक्टिव है ये जो वैक्सीन है। अबे तेरे दसवीं के मार्क्स नहीं पूछ रहे तो 60% बता रहा है। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्त। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा। अबे कमल का फूल थोड़ी ना खिलाए वैक्सीन पे, और ना ही आरएसएस वालों ने कोई जड़ी बूटी मिलाई है। जो दो कानों के बीच में है उसका इस्तेमाल कर। साला इंजीनियरिंग करने से इतना बुरा सदमा लगता है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। बाद में लोग कह देंगे नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए मारने के लिए लगा दिए वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता। चाचा, ओ भोंसड़ी वाले चाचा, वो वैक्सीन लगा रहे हैं, तेरे फोन पे टिकटॉक नहीं इंस्टॉल कर रहे तो तुम नपुंसक हो जाओगे। और इस उम्र में नसबंदी नहीं मुक्ति की चिंता करते हैं। मैं तो वैक्सीन लेने वाला हूँ नहीं अमिश भाई। अच्छा आप नहीं ले रहे, मैं पूछने वाला था आपसे। जरूरत नहीं है। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। हाँ हाँ भाई को क्या जरूरत है इसकी, छाती पे इतने बाल है कि कोरोना वायरस वैसे गुम हो जाएगा, तुम्हें क्या वैक्सीन की जरूरत है। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर। मेरा भारत देश बहुत महान है, चाहे जितने भी गधे आए कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और हाँ यार, वैक्सीन आ चुकी है तो जाओ यार लगाओ वैक्सीन, मजे करो। वैक्सीन लगाओ और कोरोना को मार भगाओ। जय वैक्सीन, जय भारत। और मैं सोच रहा था कि शॉर्ट रोस्ट वीडियो भी डालूं रैंडम टॉपिक्स पे, कमेंट सेक्शन पे बताओ। और लाइक सब्सक्राइब कर दो और व्हाट्सएप स्टेटस पे अभी अभी शेयर करो, अभी की अभी जाओ जाओ, जल्दी जल्दी शेयर करो व्हाट्सएप स्टेटस पे जल्दी। नया साल COVID-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है, इसीलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें और अफवाहों पर विश्वास न करें। और हाँ, याद रखें दवाई भी और कड़ाई भी। वैक्सीन के साथ साथ ध्यान रखें कि हमेशा मास्क पहने, दूसरों से 2 गज की दूरी बनाकर रखें और अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह से धोएं।